नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो इसको मैंने आप लोगों को टॉपिक देख के ही पता चल जाएगा कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मतलब टोटल मार्केट डायरेक्शन का पता करने के लिए ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसको आप लोग जरूर देखिए, इसमें बहुत सारा टेक्निक आप लोग को सीखा मतलब शेयर करूँगा, जो आप लोग को बाद में डिसीजन ले सकता है। मेरा ट्रेनिंग सेशन भी है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकता है और मेरा कॉल वगैरह भी ले सकता है। तो और इसमें आप लोग को बहुत सारा चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, जो कि कैसे गन लेवल्स, डायनामिक गन लेवल्स मतलब वोलेटिलिटी बेस्ड गन लेवल्स, कैसे मार्केट को वोलेटिलिटी बेस्ड गन लेवल से कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी के साथ कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो वही आप लोगों को सिखाने के लिए जाऊंगा। तो इसको आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद होगा तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को, और बेल आइकन दबाएंगे जरूर, तो इसमें आप लोग को क्या मतलब मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें बहुत सारा मैंने चार्ट का एनालिसिस करता हूँ, ऑप्शन चेन एनालिसिस करता हूँ, प्रॉबिटी एनालिसिस करता हूँ, और बहुत सारा वाइसल लेवल देके मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करता हूँ, जो कि बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता है। और लाइव डेमो दिखाता हूँ जो इक्विटी निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो आप लोग को ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन पेयर ट्रेडिंग इक्विटी में आप लोग को दिखाता हूँ। सभी समय सभी नहीं दिखाता पाता हूँ, मेनली निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, लेकिन बीच बीच में दिखाता हूँ। तो इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है। और बहुत सारा और भी मेरा YouTube चैनल पे बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, बहुत ही बढ़िया चार्ट का सेटअप्स है ऑलरेडी, वो भी आप लोग अडॉप्ट करके उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उसका भी एक्यूरेसी आप लोग को बहुत ही अच्छा मिलेगा। कोई क्वालिफिकेशन का ज़रूरत हो तो मेरे को पूछ सकता है। इसके अलावा बहुत सारा एडुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज बहुत सारा वीडियोज़ बना हुआ है, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंटरडे, और पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, ऑप्शन चेन, इसमें बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी दिखा गया है, टेक्निक दिखाया गया है। तो कैसे इसको इस्तेमाल कर मतलब ट्रेड कर, इसमें आप लोगों को ट्रेड करने के लिए और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को बहुत ही सुविधा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इंटरडे में बहुत ही सुविधा हो जाएगा, वो आप लोग को बहुत कुछ उसमें से सीखने से सीख सकता है। तो इसमें आप लोग को और आप लोग इसका जो बाय सेल लेवल कम स्किनर है, इसका भी इसमें क्या क्या है, वो हॉट आर द थिंग्स अवेलेबल, और ये भी आप लोगों को आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर फ्री ट्रायल देख सकता है, उसमें मैंने पूरा बाय सेल लेवल से फाइल शेयर करता हूँ। और आप लोग मेरा मेरे को भी कॉन्टैक्ट करके मैंने आप लोगों को किसी भी सेगमेंट में आप लोग को ये बाय सेल लेवल का आप लोग को डेमो दिखा सकता हूँ, और चार्ट का सेटअप्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैंने ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों को टेक्निकल चार्ट सेटअप, गन लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स का टूल्स कैसे यूज किया जा सकता है, वोलेटिलिटी में कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है, और प्रोबेबिलिटी बेस्ड मतलब वोलेटिलिटी बेस्ड गन एंगल्स, फिबोनाची लेवल्स कैसे किया जा सकता है, और लाइव डेमो भी दिखाएंगे, और मैंने इसका जो गन का लेवल दिखाऊंगा वो भी आप लोग को सिग्नल्स का मिल जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअली इसमें ऑलरेडी मेरा ये जो फाइल है, ये मेन फाइल है, इसमें निफ्टी ऑलरेडी फ्यूचर्स कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑलरेडी फाइल्स मतलब करंट डाटा देके सेव किया है, तो इसीलिए इसको डिस्टर्ब नहीं किया मैंने इसको। इसका नीचे वाला, इसके सबसे नीचे आके मैंने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मैंने कुछ दिन का मैंने मिस हो गया है, लेकिन 1 अप्रैल के 30 अप्रैल को मैंने डाटा दिखा उठा लिया है, उसका कैसे गन लेवल के साथ मैच किया है, उसके बाद इंटरडे में कैसे मैच किया है, उसके बाद मैंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी डाटा बैठा के मैं आप लोग को दिखाऊँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। पहले मैंने एक गन का एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो इसमें मैंने आप लोग को मेरा पावर ऑफ गन एंगल्स जो वीडियो है वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिए,
देखिए इसमें गान का जो लेवल्स आता है, देखिए वो ये जो ये एक्चुअली स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर में इसका घूमता है, मतलब 360 डिग्री का घूमता है। डब्ल्यू टी गान इसको इन्वेंट किया है, उन्होंने बहुत ही रिनाउंड का मतलब ट्रेडर था, मेनली कमोडिटी में ट्रेड करते थे। उसके बाद आप लोग सब वीडियोस वाला जो इसका कैसे क्या होता है ये आप लोग देख लीजिए। 7 डेज में ये होता है, ये कि ये 7 स्क्वायर का मैट्रिक, इसमें 7 रो है, ये 7 कॉलम है, 7x7 का ये मैट्रिक्स है। इसका 12 में भी हो सकता है, और गान का लेवल्स क्लोजिंग प्राइस से हो सकता है, लो प्राइस से हो सकता है, हाई प्राइस से भी हो सकता है। तो कैसे इसका यूनिवर्स चलता है और ये आप लोग देख, मतलब बहुत सारा वीडियोस आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इधर जो लेवल्स है ये 2 है, ठीक है। इसमें इसका 45 डिग्री का लेवल है, 3 इसका, 4 इसका, 5 इसका, 6 इसका, 7 इसका, 8 इसका, 9 में इसका आके ये फर्स्ट साइकिल ख़त्म होता है। उसके बाद 10 आता है, 11, 12, 13, 14, 7, 16 ऐसे करके इसमें आके 25 में आके ये ख़त्म होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये 10 के ये हो गया इसका, इसके बाद ये साइकिल आप लोग पकड़ेंगे तो ऐसे करके ये इसका ये है 180 डिग्री इसका, 45 डिग्री इसका, 90 डिग्री इसका, 135 डिग्री इसका, 180 डिग्री, 270 डिग्री ये, 315 डिग्री ये, 360 डिग्री, ठीक है। इधर आके ये ख़त्म होता है। तो इसमें मैं अब गन स्क्वायर मतलब ये टेबल में कैसे इसमें चाहो टेबल नहीं, गन का टेबल मैंने एक बार ओपन कर लेता हूँ। गन का टेबल में भी वो आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, वो छोड़ता है। तो ये एक्चुअली स्क्वायर ऑफ 9 ही आप लोग को देखने के लिए मिलता है। तो उसमें आप लोग को ये जो स्क्वायर है इसका कैलकुलेशन रहता है ये कैसे रहता है, ये देखिए ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एंगल्स है, नॉर्मल एंगल है, कार्डिनल एंगल्स है, इसको डायगोनली जो है ये इसको कार्डिनल है। इसका जो कहता है जो रहता है आप लोग को, एक मिनट मैंने कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ इसमें मार्केट कैसे मूव हो सकता है। आप लोगों को होपफुली आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग भी ये वीडियो बहुत ही मतलब मज़ेदार और होने जा रहा है। तो आप लोग इसको जरूर मतलब लास्ट तक देखिए, इसमें आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को सीखा मतलब मिलने वाला है। तो इसमें देखिए मैंने भी बहुत सारा ट्रेड अपना है, बहुत सारा टेक्निक अपना मतलब अडेप्ट किया है, लेकिन बहुत दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारा चीज़ अडेप्ट किया, लेकिन इसको मैंने अडेप्ट कर लिया क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट मतलब मार्केट को पकड़ लेता है। और मेरा जो लोग मेरा बाइसल लेवल फॉलो करता है और जो लोग मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी फॉलो करता है, तो वो लोग जानता है कि मैं आई एम नॉट सोली डिपेंड माई ट्रेडिंग स्टाइल या माई स्ट्रैटेजी इज़ नॉट सोली डिपेंडेंट ऑन द गन लेवल्स गन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बट ये एक बहुत ही इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग स्टाइल। मैं बहुत सारा चीज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट मोबिलिटी और वोलेटिलिटी वेस्ट लेवल्स मैंने बहुत अडॉप्ट करता हूँ। तो ये एक टेक्निक है, ये बहुत ही अच्छी लेवल से काम करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो आप लोग भी सीख जाएंगे तो आप लोग को इंटरेस्ट आ जाएगा। सोच लीजिए ये 2 है, ठीक है।
तो इसका मैंने पहले स्क्वायर रूट निकलता हूँ, ठीक है 1.89, ठीक है। इसके साथ जो इसका जो मैंने सोच लीजिए इसका 45 डिग्री निकालना चाहता हूँ, तो 45 डिग्री का कैसे निकालेंगे, तो इसका इसके लिए 45 ये जो 180 डिग्री है ये 1 मानता है, ठीक है। तो 1 ये 45 डिग्री डिवाइडेड बाई इसका जो 45 डिग्री है इसका इसका 180 करेंगे तो इसका निकल के आता है फैक्टर, सॉरी 45 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है, हाँ 180, ये 0.25 आ रहा है, ठीक है। तो इसका 0.25 मैंने पहले 2 को इसका इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इसके साथ 0.25 को इसका ऐड कर लिया, हाँ 0.25 ऐड कर लेता हूँ। इसका इसका जो आता है 1.66 इंटू 1.66, ठीक है 1.66 इंटू 1.66, हाँ मैंने डेसिमल भी ले लेता हूँ कुछ 4.21 3.5 इसका भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या निकल के आता है, देखिए 4.60, तो इसका देखिए इसका जो एंगल है इसका 4.60 इसका नेक्स्ट लेवल तक इसका आता है। तो इसके बाद जो इसका 2 से इसका मतलब इसका नेक्स्ट लेवल सुन 90 डिग्री 0.5, तो 1.66 प्लस 0.5 करूँगा तो इसका 90 डिग्री आता है, इनटू इस 2.66 करूँगा तो इसका 18 आता है। तो देखिए इसका ये जो लेवल्स आता है इसका 18 का नंबर आता है, तो ऐसे करके ये इसका लेवल्स निकाला जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आप लोग को दिखा दिया है, ठीक है। ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों को डिटेल्स में ये कैसे फार्मूला डालता है इसका आप लोगों को दिखाया जाएगा, और इसका वोलेटिलिटी के साथ कैसे लिंक किया जाता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। इसका मैं बंद कर लेता हूँ, हाँ। तो इसमें देखिए मैंने डाटा उठा लिया, ठीक है। इधर से मैंने इसके बाद ये जो कैलकुलेट किया हूँ, कैलकुलेशन मतलब एक्चुअली मैं वो जो डाटा मैंने मतलब फार्मूला पहले से ही है, आप लोग जो लोग एक्सेल में काम करना जानता है वो जानता है कि ऊपर का जो डाटा जब नीचे ड्रैग किया जाता है उसको पकड़ लेता है नीचे वाला डाटा और पकड़ लेता है। तो इधर से मैंने इसका जो ये इस सेक्शन में मैंने वोलेटिलिटी को कैलकुलेट किया हूँ, वोलेटिलिटी में इसका कैलकुलेट मैंने एक्चुअली ऊपर वाला पोर्शन में भी वोलेटिलिटी ऑलरेडी कैलकुलेट है, उसको ही मैंने ड्रैग करके लाया हूँ और अलग अलग डेट से मैंने इसका कैलकुलेट किया हूँ, हाँ। तो इधर देखिए इधर लॉगरिथमिक फैक्टर लेना पड़ता है, अगला दिन का जो लॉगरिथमिक और ये इसका लेना पड़ता है, इसका 10 दिन या 30 दिन का ले सकता है कुछ भी, मतलब मिनिमम 10 दिन का होना चाहिए। तो इसका जब इसका ये जो लॉगरिथमिक है इसका पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन लेने गया तो आप लोग को इसका मिल जाएगा, लेवल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब वोलेटिलिटी आ जाएगा, वोलेटिलिटी के साथ इसके बाद ये फिबोनाची का जो लेवल्स है ये भी वोलेटिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी आप लोग को सिखाया जाएगा, वोलेटिलिटी बेस्ड गन फिबोनाची और हाई प्रोबेबल लेवल्स। आप लोग को जो लोग बाय सेल लेवल्स मेरा फॉलो करता है और निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियोस फॉलो करता है वो लोग जानता है, ये है गन डिग्रीज का, सॉरी गन एंगल्स का, इसका अलग सा है, ये 3.75 से शुरू होकर 86.25 तक इसका लेवल है, ठीक है। तो इसका भी अलग कैलकुलेशन है, तो मैंने गन डिग्रीज का मेनली दिखाऊंगा, गन को बहुत सारा चीज से क्लोजिंग प्राइस से कैलकुलेट किया जा सकता है, हाई प्राइस से कैलकुलेट किया जा सकता है, लो प्राइस से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो बहुत सारा, और गन स्क्वायर ऑफ 9 किया जा सकता है, गन स्क्वायर ऑफ 12 किया जा सकता है। तो आप लोग को जो मतलब गन इतना कुछ कंपनी को लगता है कि गन इतना अच्छी एक्यूरेसी से नहीं काम करता है, लेकिन ये साइकिल में चलता है,
इसमें इसका बहुत ही एप्लीकेशन है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टोटल यूनिवर्स में बहुत सारा चीज़ में आप लोग को मिल मतलब सीनियरिटी मिलेगा 360 डिग्री में। ईयर ख़त्म होता है 7 डेज में, आप लोग को क्या बोलता है, वीक ख़त्म होता है 60 डिग्री में, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट होता है। आप लोग इसमें टाइम पाई स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकता है, तो 15 मिनट तो 60 मिनट हो रहा है। तो ये बहुत सारा बहुत फास्ट सब्जेक्ट है दोस्तों, ये इतना इजी चीज़ नहीं है। कुछ वेबसाइट में फ्री में दे देता है और क्लोजिंग प्राइस बैठा देता है, उसका एक्यूरेसी भी मिलता नहीं है, इतना एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता है। और आप लोगों को ये धारणा हो जाता है कि ये इसका एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है, ठीक है चलता है, लेकिन इतना एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन ये इसमें टोटल यूनिवर्स और ये टोटल मार्केट इसका प्राइस एक्शन इसमें चलता है। तो देखिए 1 अप्रैल का जो डाटा मैंने ले लिया है उसके इसका हिसाब से इसका जो कैसे बिहेव किया है 1 अप्रैल को, उसको मैंने आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। इसका 1 अप्रैल जाना पड़ेगा, 1 अप्रैल बीच बीच में थोड़ा सा मैंने डाटा नहीं अपडेट कर पाया तो उसको ऑमिट हो गया है। तो जितना अच्छा हुआ है एक महीना में आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। और इसमें 1 अप्रैल का, ठीक है। तो 1 अप्रैल का जो डाटा लिया है तो उसका डाटा 1 अप्रैल का बाय सेल लेवल क्या था, तो उसको देखिए इधर थोड़ा सा, तो इसका जो इधर देखिए ओपनिंग हुआ था 8587 में, इसका ओपनिंग हुआ था 85, उसके बाद ये इसका लो आया था, इसका दिन का लो था 8198 और 8288 इधर क्लोजिंग दिया था कुछ 8262 ऐसा कुछ क्लोजिंग दिया होगा। तो वो डेली चार्ट में उसका अभी अच्छी तरह से पता चलता है, लेकिन इंटरडे में इसका कैसा मतलब मूवमेंट हुआ है नहीं पकड़ पाऊँगा, क्योंकि उसके जो और एक चीज़ बोल देता हूँ कि देखिए इंटरडे में कुछ सोच लीजिए 3 बजे तक एक लेवल आया है बाई से बाई का लेवल जो एकदम पहले वाला है, तो वो लेवल मैच आप लोग को नहीं करेगा, क्योंकि उसमें काम नहीं करेगा, ये आप लोग भी जानता है। तो इसीलिए उसका लाइव मार्केट में अपडेट करना पड़ता है। तो इसका देखिए उस दिन क्या लेवल था 8277, इसका बाई का लेवल था और सेल का लेवल चालू हुआ था 8055 से, ठीक है। इसमें गैप और गैप डाउन को भी कंसीडर कर लेना पड़ेगा। तो इधर 8857 से इसका 1 अप्रैल में इसका 8858, उसके बाद इसका नीचे ही आया था उसके बाद इसका नीचे ही आया था, नीचे का लेवल सेल का लेवल सोच लीजिए डेली चार्ट में चला गया, सेल का लेवल था 8228 से इसका सेल का लेवल था, ठीक है। तो इसका फिर से 15 मिनट करना पड़ेगा, स्टेप्रिल को जाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने डेली चार्ट और वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में भी दिखाऊंगा किसी भी मतलब एक दिन का लेवल लेके मतलब हाई लो लेके, तो आप लोग उसका जरूर देखिए पूरा। तो इधर 8228 के नीचे शायद इसका सेल का लेवल आया था, तो और नीचे गया था 8198 तक। तो इधर इसका लेवल था सेल का लेवल था 1 अप्रैल 8228 का नीचे जब आया था, इधर 8204 8156 8204 उसके बाद 8156 ये शायद 8198 तक इसका आया था लेवल। इधर देखिए इधर 8 कितना देखा है भूल जा रहा हूँ 8228 के नीचे, तो इधर 8228 के नीचे जब आया था
8228 के नीचे ड्रॉप आया था इसका, उसके बाद ये आया था 8198 तक इसका लेवल आया था। तो एक्चुअली देखिए ये लाइव मार्केट में भी इसका काम करता है, मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में अपडेट करके दिखा देता हूँ। सोच लीजिए इसका एट एनी पॉइंट अब आप लोग सोच सकता है कि इतना गिर गया हम लोग, इतना मिस हो गया, ये एक्चुअली अगला दिन का लेवल्स है, ठीक है। तो देखिए इधर मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम में इधर 8588 हाई है, ठीक है, 8449 लो है और 8470 क्लोज है। मैंने इसका डाटा उठा लेता हूँ, उसके बाद मैंने लेवल निकलता हूँ। तो 8588 इसका मैंने इसका डाटा बैठा लेता हूँ, ठीक है, इसका डाटा बैठा लेता हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सोच लीजिए 15 मिनट के बाद मैंने 15 मिनट का जो डाटा है उसके बाद मैंने लेवल उठा लेता हूँ। इसका जो लेवल है इधर सोच लीजिए 8459 लो है, 8459 इसका 8459 लो है, 8459 लो है, 8459 इसका 15 मिनट का लो है। और इसका एक्चुअली ये लाइव मार्केट में भी अपडेट करना पड़ता है, लेकिन आप को ये अगला दिन का लेवल भी अच्छी तरह से काम करता है। और इधर इसका 15 मिनट का क्लोजिंग दिखा रहा है 8473, ठीक है, तो इसका मैंने उठा लेता हूँ 8473। मेरा लाइव डेमो वाला वीडियोस तो इसमें कैसे क्या क्या लेवल निकल के आता है आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसके बाद ये नीचे आया है, तो मैंने पहले नीचे का लेवल ही दिखाता हूँ, क्योंकि वाई का लेवल तो नहीं आएगा इसका। तो देख लेते हैं, हाँ वाई का लेवल था एक्चुअली, मैंने 45 डिग्री एंगल पकड़ूंगा, मैंने 12 से भी पकड़ सकता हूँ 8196, तो उसका लेवल तो आया नहीं है, वाई को साइड तो गया नहीं है, मेरे को लेवल्स इधर से देखना पड़ेगा। क्या लेवल दिखा रहा है इधर 8231 का लेवल इधर निकल के आ रहा है। तो 8231 फर्स्ट अप्रैल का डाटा बैठा रहा हूँ, 8342 इसका तो लेवल नहीं आया है, तो इधर 8231 का नीचे इसका लेवल आएगा, 8231 का नीचे इसका एक्चुअली रिवर्सल नहीं आएगा, तो इसका कुछ करना नहीं पड़ता है, हम लोगों को मार्केट में इंतजार भी करना पड़ता है। 8231 का नीचे इसका जब लेवल आएगा तो इधर आप लोग को इधर ट्रेड लेना है। तो इसमें इसका 8231 के नीचे इसका ये 8198 तक इसका लेवल आया था, ठीक है। नेक्स्ट लेवल थर्ड अप्रैल को देख लेता है, थर्ड अप्रैल को कैसे हुआ था, क्या हो रहा है ये, थर्ड अप्रैल को और थर्ड अप्रैल को देख लेता है, थर्ड अप्रैल का जो है मैंने 45 डिग्री से ही देखता हूँ, ठीक है, 12.5 से देखता है, प्रॉब्लम नहीं है। और इधर 8110 इसका बाई का लेवल था, ठीक है, इसका बाई का लेवल था 8110, तो ये ऊपर गैप अप ओपन हुआ था 8349, तो 8110 का नीचे इसका जब आया था, इसका जब 8110 का नीचे 8110 का नीचे 8097 तक इसका लो गया था, ठीक है, इसका 8017 तक इसका 8097, उसके बाद फिर से थोड़ा सा 8100 के ऊपर गया था 8149 तक, फिर से ये नीचे गया था 8067 8055 तक इसका लो आ गया था। तो इसमें बाद
हाँ तो इसका सेल का लेवल क्या था उसको देखना देखना पड़ेगा। चलिए इतना दिन तक मतलब देखने से थोड़ा सा, हाँ 8231 इसका थर्ड है, हाँ 8028 के नीचे ये, हाँ 8028 के नीचे शायद आया ही नहीं था। 8028 के नीचे थर्ड अप्रैल को ना, 8028 के नीचे ये आया नहीं था इसका सेल का लेवल। और बाई का लेवल था इसका, बाई का लेवल था 8110 से इसका वाई का लेवल था, तो 8110 के ऊपर जब दिया था इसका 8110 इधर तो लो गया था, इधर से मौका नहीं मिलता था, लेकिन 8110 के ऊपर आप लोग वाई ले सकते थे। तो इस साल इस कैंडल में इसका 8227 तक इसका हो गया था, ठीक है ना, इसका ऊपर गया था, इसका ऊपर 8221 तक गया था। इसका वाई का लेवल क्या गया था, 8138 ओपन कितने हुआ था, ओपन होने के बाद ये नीचे गिर गया था 8049, 8125, तो 8125 के नीचे इसका सेल का लेवल तो आया नहीं था 8028, लेकिन वाई का लेवल 8110 के ऊपर जब वाई का 8110 के ऊपर जब गया था तो इधर से आप लोग ट्रेड ले सकते थे। तो इधर 8160 तक ऊपर गया था इस कैंडल पे, इसके बाद फिर से नीचे आ गया था, इसके बाद ये फिर से ऊपर गया था। आप लोग नेक्स्ट लेवल देख सकते थे, नेक्स्ट लेवल में जो इसका नेक्स्ट लेवल 8138, उसके बाद 8196 के ऊपर ये 8225 तक गया था, इसका नेक्स्ट लेवल 8159 के ऊपर फिर से ट्रेड ला सकते थे। ट्रेड लाइन ऊपर 8159 के ऊपर जब गया था ये 8221 तक इसका लेवल गया था। इधर आप लोग देख सकता है, इधर आप लोग देख सकते हैं कि 8138, हाँ 3rd अप्रैल ना, हाँ 8138 के ऊपर था जब गया था, इसका फिर से ऊपर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं 8196, उसके बाद 8225 तक ये गया था, 25 तक ये ना 8221 तक इसका हाई गया था। अच्छा इसके बाद मैंने नेक्स्ट लेवल दिखाता हूँ, एक्चुअली इतना मैंने एक थोड़ा सा जल्दी दिखा देता हूँ आप लोग को इसमें, नहीं तो मेरा और भी कुछ दिखाने का है, तो इसीलिए इसका देखिए। इधर मैंने 8 अप्रैल का डाटा लिया है, 8 अप्रैल का 3rd अप्रैल, 8 अप्रैल, 9th अप्रैल में कैसे क्या हुआ था उसको देखकर दिखा देता हूँ। 9th अप्रैल में क्या हुआ था, 9th अप्रैल में क्या हुआ था इस बार देख लेते हैं। 9th अप्रैल में जो दिखा तो है, तो 9th अप्रैल में इसका ओपन हुआ था 8941, उसके बाद इसका वाई का लेवल था 9125, 9125, लेकिन देखिए दोस्तों इधर 9th अप्रैल में 9128 जब गया था, इधर एकदम मतलब 2:45 बजे इसका 9125 के ऊपर ये 9228 मतलब 3 बजे तक इसका गया था, तब तक ये एक दिन का लेवल वैलिड नहीं रहता है, काम नहीं करता है, ठीक है। और नीचे का लेवल शायद आया नहीं था उस दिन, नीचे का लेवल इसका आया नहीं था, इसीलिए लाइव मार्केट में अपडेट करना पड़ता है। तो लाइव मार्केट में भी इंटरडे में भी कैसे काम किया है आप लोग दिखा देता हूँ, दिखा दिया है तो, और आप लोग मेरा लाइव डेमो भी देख सकता है कैसे ये काम करता है। तो इसका 9th अप्रैल में इसका 9097 के नीचे इसका सेल का लेवल बनता था, 9097 का नीचे 90, हाँ इसका 9097 का नीचे मतलब इसका नेक्स्ट लेवल तक आप लोग को देखना पड़ता था। ये सोच लीजिए
8987 के नीचे ये 8909 तक आ गया था, तो इसका 9027, उसके बाद आप लोग नीचे जाइए फिर से नीचे 8959, और कितना एक कैंडल में कितना दिया था, 8987, 8987। तो नेक्स्ट लेवल आप लोग देखेंगे तो 8987 से, हाँ इधर देखिए 8905906, इसके 06 के नीचे आप लोग को 8987 तक मिल जाता था, उसके बाद 8959, उसके बाद 8959, उसके बाद 8916, उसके बाद 8876 का लेवल दिखाता है। तो दिखता है इसका कितना लो गया था, इधर लो गया था 8909 तक लो आ गया था, 8916, 8959 से 8906 तक लो आ गया था, 8909, उसके बाद 8904 तक इसका लो आ गया था, ठीक है। तो अपर लेवल में जो लेवल था वो मतलब वो इंटरडे में फिर से कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने आप लोग को सोच लीजिए आप लोग ये 10 बजे कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। इसका 10 बजे इसका हाई, 10 बजे का कैंडल में इसका हाई और लो को पहले देखना पड़ेगा। हाई का कितना किया था, 9032, ठीक है। हाई किया था 10 बजे का कैंडल है ये, 10 बजे का कैंडल है ये है, ठीक है ना। तो 10 बजे का कैंडल में इसका 10 बजे तक इसका हाई, सबसे हाई गया था 9032, और सबसे लो इधर है, सबसे लो इधर है 8917, ठीक है। 8909032 और 8917, 9032 हाई, 8917 लो, ठीक है। और 10 बजे का क्लोजिंग कितना है, 10 बजे का क्लोजिंग है 8998। तो मैंने इसका डाटा बैठा लूँ, इधर डाटा बैठा ले तो कैसे इसका इंटरडे में कैसे आता है वो फिर से एक बार आप लोगों को इधर से दिखा देता हूँ। मैंने लाइव डेमो भी दिखाता हूँ, उसमें से भी आप लोगों को पता चलता है और इधर से भी आप लोगों को दिख सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, मेरा रिकॉर्डर भी बंद हो सकता है, नहीं तब भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये कौन सा डेट में दिख रहा था, मैंने कौन सा डेट का डाटा, ये 9 अप्रैल का, ठीक है। 9 अप्रैल का डाटा, 9 अप्रैल का 9010 बजे का कैंडल में इसका 10 बजे तक इसका 9032 हाई गया था, ठीक है। इसके बाद इसका 8917 इसका लो आया था, और 10 बजे कैंडल का क्लोजिंग था 8998। तो इसका बाय सेल लेवल कैसे निकल कर आता है, इसीलिए लाइव मार्केट में अपडेट करना पड़ता है। आप लोग को दिखा देता हूँ वो कैसे मैच करता है या नहीं करता है, देख लेता है एक बार। ये वोलेटिलिटी के साथ जोड़ेंगे तो इसका एक्यूरेसी बहुत ही हाई हो जाता है, और ये डायनेमिक लेवल होता है तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो इधर से देखा देता हूँ, और एक दो दिन देखा के आप लोग को बहुत और भी बहुत सारा, मैंने एक्चुअली लंबा जो लेवल्स है उसको दिखाना चाहता हूँ, तो इसीलिए इसका डेली में काम नहीं करेगा। आप लोग खुद चेक कर सकता है, आप लोग को पास जो वीडियो है मतलब, तभी आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग क्यों देखेंगे कष्ट करके, मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को, और कैलकुलेशन भी आप लोग को दिखा दिया। तो इधर देखिए, इधर जो लेवल निकल के आता है इधर 9126, इसमें आप लोग जरूर ट्रेड नहीं ले सकते थे, तब 10 बजे का कैंडल में ये 9126 इसका बाई का लेवल दिखा रहा है,
ठीक है, तो इसका सेल का लेवल क्या निकल के आता है देख लेते हैं एक बार। सेल का लेवल क्या निकल के आता है उस टाइम 10 बजे के बाद नीचे ही गिरा है, आप लोग को बाद में दिखाता हूँ। 9 अप्रैल 9096 में, 9096 सॉरी 9 अप्रैल 9096 में इसका लेवल आता है, ठीक है। उसके बाद 9081 उसका क्लोजिंग प्राइस था 8998, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका लेवल दिखता हूँ 8998 के नीचे। उसके बाद ये देखिए 8998 एकदम, देखिए एकदम मतलब इसका क्लोजिंग जो दिया है इसका 8990 डिग्री, उस मतलब इसका 90 डिग्री का लेवल था। तो उसके बाद ये 8947 का लेवल है, ठीक है। इसका मतलब ये इतना एक्यूरेसी के साथ काम करता है कि ये प्राइस एक्शन इतना इसका एक्यूरेसी के साथ मिलता है। ये 8900, ठीक है, ये शायद उस दिन 8998 इसका 10 बजे का कैंडल का जो 8998 इसका ये था, इसका बाई का लेवल तो आया नहीं था। 9128 के 9926 इसका बाई का लेवल आप लोगों को दिखाया, आप लोग फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख सकता है। इसके बाद जब 8987 के नीचे आया था, 8987 के जब इसका बाई का लेवल आप लोग पकड़ लेते थे तो इधर 8909 उसके बाद 8904 तक इसका लेवल आ गया था, ठीक है। मैंने और एक दिन का दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने और भी चीज़ आप लोगों को साथ दिखाना चाहता हूँ कैसे लॉन्ग टर्म में इसका मतलब मार्केट कैसे इसका अप डाउन होता है, आप लोग कितना दूर जा सकता है मार्केट, कितना दूर जा सकता है और कितना दूर मतलब इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है वो आप लोग इससे कर सकता है। तो इसीलिए आप लोग को ये दिखाने का ये मकसद है। और ये वोलेटिलिटी लेवलिंग बेस्ट मैंने एक महीना के ही अंदर दिखा सकता हूँ क्योंकि इसका अंदर पॉसिबल एनुअलाइज वोलेटिलिटी मंथली वोलेटिलिटी दिखा सकता है, लेकिन इसका बीच में लेना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जो डेली वोलेटिलिटी जो कैलकुलेट किया जा सकता है वो 1 महीना का बेसिस पे किया जा सकता है। उसका जो मैंने 3 मंथ का डाटा लिया और वोलेटिलिटी निकाल लिया उसके बाद 3 महीना का कैलकुलेट किया तो मतलब वैलिड नहीं रहेगा। तो इसके बाद देखिए 15 अप्रैल के बाद मैंने 16 अप्रैल को दिखा देता हूँ। 16 अप्रैल को 15 अप्रैल को के छोड़ के 16 अप्रैल से डाटा लेके 16 अप्रैल का दिखाता हूँ। 9007 इसका बाई का लेवल है, गैप अप और गैप डाउन होगा तो इसको भी कंसीडर कर लेना पड़ेगा, ठीक है। और देख लेते हैं चार्ट का क्या हुआ है। 15 अप्रैल 16 अप्रैल में क्या हुआ था, 16 अप्रैल में गैप डाउन हो गया था, ठीक है। गैप डाउन होकर ये 8851 में ओपन हुआ था, उसके बाद इसका अप गया था, अप गया था तो इधर अप जाने के बाद ये इसका जो लेवल था, एक्चुअली मैंने तो इंटरडे में कैसे कैलकुलेट करके देखता है वो को आप लोग को दिखा दिया था। तो 9007 के ऊपर जो आप लोग ट्रेड ले सकते थे 16 अप्रैल 9007 में ट्रेड ले सकते थे। तो इधर देखिए इधर 9007 से जब ऊपर गया था 9007 का ऊपर इधर से 8955 9007 का ऊपर जब गया था तो ये ऊपर गया था 9026, उसके बाद 9041 4353 तक ऊपर चला गया था, ठीक है। ये ऊपर उस दिन ऊपर गया था। तो और भी मैंने थोड़ा सा मतलब दिखा देता हूँ, और एक दिन का दिखा देता हूँ। इसका अंदर सोच लीजिए, मैंने लास्ट डे का ही अच्छा बीच में एक और भी एक लेवल दिखा देता हूँ। सोच लीजिए 23 का लेवल, 24 का लेवल दिखाता हूँ, 24 का लेवल्स दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैच किया है ऐसे, मैंने और भी चीज़ मैंने आप लोगों का शेयर करने वाला हूँ तो इसीलिए ये हो सकता है मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट रैंडमली चूज कर लेता हूँ। तो इधर ओपनिंग दिया था 9163 में, इसका हाई गया था 9296 पे, ठीक है। उसके बाद फिर से नीचे भी आया था, देखता है इसका हाई सेल लेवल।
एक्चुअली ये दिल्ली का होता है, तो इसीलिए तो सर हाँ 23 का लेवल या 24 का, हाँ 24 का, 24 का देखता हूँ। 24 का 916 से ऊपर वाई है, 9166 इसका गया था या नहीं गया था, 9166, हाँ 9166 तो गया था। 9166 का जो नेक्स्ट लेवल था, इधर इधर का जो कैंडल का ओपनिंग है 9167, ठीक है। इधर अब लोग ना 9:30 का बाद ये 9167 इसका लेवल ऊपर गया था, ये 9219, ये 9227 तक गया था, थोड़ा सा नीचे आया था 9188, 9160 तक अब लोग ट्रेड लिया था 9166 से, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। उसके बाद फिर से ऊपर चला गया था 9266, 9280 तक, मतलब एकदम बिल्कुल चला गया था, ठीक है। तो इस तरह दिखा दिया, और एक दिन का दिखा देता हूँ, सोच लीजिए लास्ट डे का ही दिखा देता हूँ। और लास्ट डे तो 30 अप्रैल इसका, तो मैंने मतलब नेक्स्ट डे में काम करेगा। मैंने 29th का दिखा देता हूँ आप लोग को, जो ये जो लेवल दिख रहा है आप लोग जो जो फाइल दिया है ऑलरेडी, वाइसल लेवल का फाइल दिया हूँ, इसी लेवल आप लोग को दिखेगा। तो इधर देखिए 29th का दिखा देता हूँ, 29th का दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैंने और भी चीज़ आप लोग को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में पूरा मार्केट कैसे इसमें चलता है इसी का दिखाने का मकसद है मेरा, इसीलिए इसका दिखाता हूँ। अच्छा 30 अप्रैल में कैसे काम किया वो भी आप लोग दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये 29 अप्रैल का डाटा लेकर ये 30 अप्रैल बना है। तो इसमें देखिए गैप अप हो गया था, हाँ ये बिल्कुल गैप अप हो गया था, इधर 9753 में ओपन हुआ था, हाई गया था इसका 9864 तक। तो इसका देख लेते हैं इधर कैसे गैप अप होके 9753, ठीक है ना, 9753 कौन सा डिग्री पे आता है, 9753, 9738, 9738 के बाद हाँ 9793, तो इधर 9753 के ओपन होने के बाद इसका इसका ऊपर, इसका जो 9753 का ऊपर जब गया था, ठीक है, तो उसका ऊपर जब 9:30 9:15 का बजे जो इसका जो कैंडल है 9757 के ऊपर आप लोग ट्रेड ले सकते। इसका हाई कितना देख रहा है 9785, तो 9785 में आप लोग ट्रेड ले सकते थे। 97 क्या 29 अप्रैल ना, 9793 में आप लोग ट्रेड ले सकते थे, 9793 में आप लोग ट्रेड ले सकते थे। इधर देखिए इधर 9:15 का मतलब ये 9:30 का 9:30 बजे के बाद, ठीक है, 9757 के ऊपर आप लोग ट्रेड ले सकते, 9793 में भी आप लोग ट्रेड ले सकते थे। तो इसका जो हाई गया था कितना आप लोग इधर ट्रेड लिया है, ठीक है, 10:45 बजे ट्रेड लिया है, सोच लीजिए इधर सॉरी 9:30 का बाद 9780, 9793 के ऊपर, 9793 के ऊपर आप लोग ट्रेड लिया है। तो इधर इधर 9793 इधर देखिए लो आप लोग देखिए 9793 नीचे आया नहीं है, तो स्टॉप लॉस हिट होने का तो कोई बात ही नहीं है, एकदम 9899 तक चला ये, मतलब लगभग 100 पॉइंट, 100 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये 30 अप्रैल, सॉरी मैंने क्या, हाँ 30 अप्रैल का ही दिखा रहा हूँ, 30 अप्रैल मतलब 29 का डाटा लेके ये 30 अप्रैल का ये इसका मतलब ट्रेड हुआ है। 29 अप्रैल में आप लोग को जो डाटा दिया हुआ है, 29 अप्रैल में जो बाइसल लेवल दिखा रहा है वो एक्चुअली ये 30 अप्रैल में ये काम करता है, तो इसीलिए इसका ये 30 अप्रैल में इसका लेवल ये मैच किया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने जो एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ मार्केट का अप डाउन इसमें कैसे होता है, तो ये देखिए मैंने ये भी इसका वोलेटिलिटी के साथ लिंक नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए मैंने इसका चार्ट मैंने ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इधर थोड़ा सा बाय सेल लेवल बैठा लेता हूँ, इधर बैठूँगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इधर मैंने निफ्टी का सोच लीजिए मैंने किसी का दिन का 5 दिन या 7 दिन में पहले कैसे काम करता है चार्ट में लेवल्स, वो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। दोनों का लेवल अप डाउन से भी, आप से हाई से भी दिखाऊंगा, लो से भी दिखाऊंगा और क्लोजिंग से भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों।
निफ्टी का देखिए आप लोग को, निफ्टी का सोच लीजिए, मैंने किसी भी डेट का सोच लीजिए, मैंने इसका हायर, इसका सोच लीजिए, इसका हाई पकड़ा, ठीक है। इसका हाई कितना है आप लोग भी देखिए ऊपर, 9038, ठीक है। 9038 मैंने कितना दिन का है ये, 9038, और इसका लो हुआ है 8055, ठीक है। और इसका क्लोजिंग दिया है 8083। इससे देख लेते हैं, 9038 मैंने पहले बेल्ट ही लेता हूँ, 9038 इसका हाई है। उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं क्यों करता हूँ, क्योंकि वो मैंने मेरा अपडेटेड फाइल है, एक्चुअली फाइल अपडेटेड डाटा है। 9038 इधर है, 8055 लो, ठीक है। 80 आ तेरी की, ये नहीं है, एक्चुअली उसमें नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी का बेसिस पे ये काम नहीं करेगा, तो इसीलिए इसका तो वो डेली वोलेटिलिटी के ऊपर काम करता है। तो इसमें 8055, और इधर आप लोग का क्लोजिंग दे रहा है 8083, ठीक है। ये लास्ट कंडे का क्लोजिंग दे रहा है 8083 क्लोजिंग दे रहा है। तो इसमें आप लोग को मतलब तीनों तरीक़े से 8083 हाई लो क्लोज तीनों तरीक़े से आप लोगों को, ये देखिए ऑटोमेटिक इसका कैलकुलेशन ले लेता है। लेकिन एक काम करना मेरे को पड़ता है, वो है इतना दिन का जो मतलब एवरेज लेता हूँ, इसका जो एवरेज लेता हूँ उसका बैठना पड़ेगा, और उधर भी एवरेज का, क्योंकि वो एवरेज के साथ जुड़ा हुआ है, तो नहीं तो इसका लेवल नहीं आएगा। इसको मेरे को कॉपी पेस्ट करके बैठना है, ये 30 डेज का एवरेज इधर कॉपी करके बैठना है इधर, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। बहुत सारा कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, आप लोग सीखना चाहता है तो आप लोग को कोई बहुत ही आसानी से ये काम करेगा। बहुत सारे लोगों को इसका, हाँ इसका जो, अरे हाँ अरे देखता है, ठीक है। तो इसमें इसका ये तीनों का एवरेज निकल के आया। इसके बाद इसका मैंने बहुत सारा लेवल्स है, मैंने गांस को ही दिखाता हूँ, ठीक है। इधर देखिए, इधर ये सेल देख रहा है ना आप लोग को, मैं इधर इसका नज़दीक ले जाता हूँ, ये है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर दोस्तों, ठीक है। ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर इसका कैलकुलेशन किया है। तो इधर रेजिस्टेंस 8094 इसका बाई का लेवल है, उसके बाद ये ऐसे करके इसका ऊपर गया है 360 डिग्री तक। तो इसका देख लेते हैं, इस डेट के बाद, इस डेट के बाद मतलब 27 मार्च का हाई था, और 27 3 अप्रैल का लो गया था, ठीक है। उसके बाद इसका लेवल्स कैसे आया था वो आप लोगों को दिखाऊंगा, वो कैसे कौन सा डिग्री पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, दोनों तरफ से दिखाऊंगा, हाई लो से दिखाऊंगा और क्लोजिंग से भी दिखाऊंगा। तो देखिए इधर 8094 इसका नेक्स्ट डे में इसका कितना हाई गया था, इधर इसका हाई गया था 8819, इसका गैप अप हुआ था 8819, ठीक है। इसका हाई गया था, तो इसका हाई जो गया था 8819, 8819 इसका लेवल का बाहर हो गया, ठीक है। तो ठीक है, इसका छोड़ देते हैं, ये एक्चुअली वीकली है 8819, इसका 8819 या 8447 इसका पकड़ लेता है, 8447 का लेवल इसका, 8847 का, 8447 का लेवल इसका नीचे, 8847 का लेवल्स आया नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इसका छोड़ देते हैं, इसका नीचे वाला लेवल भी आया नहीं है, ठीक है।
के हाँ, इसका नीचे वाला लेवल तो आने का मतलब क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो इसके बाद मैंने इसका हाई लो से देखते हैं, हाई लो से इसका क्या कैसे इसका काम करता है। इसका देखिए, ये हाई लो से ये क्या क्या होता है, लो से ऐड होता है और हाई से माइनस होता है। इसका सपोर्ट लेने के लिए और रेजिस्टेंस लेने के लिए लो से ऐड होता है, ठीक है। कैसे हो सकता है वो सब आप लोग को बाद में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो इधर देखिए, इसका नेक्स्ट डे में इसका ये जो लेवल था, इसका नेक्स्ट डे में इसका ओपनिंग हुआ था 8446 के ऊपर, ये 8819 तक गया था इसका फर्स्ट साइकिल में, ठीक है। इसका साइकिल कैसे काम करता है आप लोग एक बार देख सकते हैं। 8155 तो है इसका ओपनिंग हुआ था, हाँ 8446, ठीक है ना, 8446 आप लोग देख सकते हैं। उसका जो मैंने पहले वाला लेवल था उसका लास्ट मतलब साइकिल था, लास्ट इसका जो साइकिल था उधर ही वो रेजिस्टेंस, उसका लास्ट रेजिस्टेंस था। उसके बाद ये गैप अप ओपन हुआ है 8446 या 8447 दिख रहा है। तो इधर जो इसका जो साइकिल दिख रहा है, इधर 8447 का ऊपर क्या साइकिल दिख रहा है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 8447 का ऊपर ये जस्ट 8447 दिख रहा है और 84 मतलब एकदम बिल्कुल नज़दीक की तरह आप लोग को दिखेगा। 8447 का ऊपर इसका जो 85 ये मतलब इसका ओपनिंग हुआ था नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे में इसका ओपनिंग हुआ था 8446 में, ये 8819 तक हाई गया था। तो इंटर डे में कैसे अप डाउन हुआ था वो मैंने दिखाता नहीं हूँ, मैंने इसको लॉन्ग टर्म में दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने 4-5 दिन का मतलब रैंडम डाटा ले लिया। तो इधर देखिए, इसका 8457 के ऊपर इसका लेवल आता है 8558, 8591, 8691, 8788860 तक इसका फर्स्ट साइकिल इसका ख़त्म होता है। तो इसका फर्स्ट साइकिल जो ख़त्म होता है कितने में, 8860 में। तो इधर 8457 से इसका लेवल चालू हुआ था और इसका हाई गया था उस दिन 8819, और इधर उसके बाद ये नीचे ये 9, इसका सेकंड साइकिल फिर से मैंने देख लेता हूँ, ठीक है। इसका सेकंड साइकिल भी इधर 360 डिग्री का इसका 8860 तक, ये फर्स्ट साइकिल का है 8860, ठीक है। फर्स्ट दिन का इसका हाई गया था 8819 तक इसका हाई गया था, हाँ। उसके बाद वो 8860 तक उस दिन नहीं गया था, उस दिन इसका 8860 तक नहीं गया था, 8819 तक इसका हाई गया था 8457 के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ये लॉन्ग टर्म में ऐसे काम करता है। तो इसके बाद इसका लेवल चालू होता है 8961 के ऊपर, सेकंड साइकिल चालू होता है 8961 के ऊपर, इसका सेकंड साइकिल चालू होता है 8969 के ऊपर। जब इसका गया था 8961 के ऊपर, आप लोग जो इसका लेवल था ये आप लोग देख सकता है, 9128 गया था, ठीक है, 9128। उसके बाद 9261 तक ये गया था, थोड़ा सा नीचे ये रिट्रेस हुआ था, फिर से इसका लेवल कैसे गया है 9390 तक, 9390 तक। इसका आप लोग को सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल भी दिखा देता हूँ, 99 कितना देखा, 9390 तक ना। तो इधर देखिए, इधर आप लोग को कैसे कितना कितना लेवल दिखा रहा है, ये है गान का पावर, ठीक है। 9363, 9397 ये गया था, 9390 तक गया था, ठीक है। तो इसके बाद ये फिर से ऊपर आप जाने का, ये फिर से इधर से रिट्रेस हो गया है, ठीक है। इधर से फिर से ये गैप डाउन हुआ था, ठीक है, इसका गैप डाउन हुआ था। तो इधर का मैंने एक बार देख लेता हूँ, 9390, ठीक है, 9390 इसका हाई है और इसका लो है 8909। मैंने फिर से एक बार और इसका क्लोजिंग दिया है 8981, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर 9390 इसका हाई है, 9390 इसका हाई है। मैंने फिर से एक बार उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ,
9390 और इसका लो दिखा रहा है, इधर गैप डाउन दिखा है 9 8909। आप लोगों का ये वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं मेरे को। 8909 ठीक है, 8909 मैंने इसका क्लारिफिकेशन देने का कोशिश करूँगा। हो सकता है आप लोग को कुछ क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो मैंने खुशी होगा। तो मेरा और 8981 तक, 8981 इसका क्लोजिंग प्राइस है 8981। तो इसका कैसा वाई सेल लेवल निकल के आता है देखते हैं। देखिए इसका फिर से देखता हूँ, इधर देखिए ये मतलब इसका 8993, ये 8993 ठीक है, इसका क्लोजिंग दिया है 899। बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये ओपन हुआ था उस दिन 9026, हाँ 9026 में ओपन हुआ था, और 9209 इसका हाई गया था। तो 9209 इसका जब हाई गया था, 9209 इसका 8993 इसका 9 8993, मैंने क्या हो गया, हाँ ऐसा नेक्स्ट डे में ओपन हुआ था 9026 में, उसके बाद 9209 इसका हाई गया था, और 8946 इसका लो है। तो मैंने अपसाइड में देखूंगा, 9026 में ओपन हुआ था तो इसका बाई लेवल कहाँ पर बनता है, ए 8993 ये 9026 में ओपन हुआ था, उसके बाद 90 देखिए 9028, इसके बाद ये कितना 9076 9124 इसका हाई गया था उस दिन, नेक्स्ट डे में हाई गया था 9209 ठीक है 9209। तो कौन सा लेवल पे ये उस दिन ख़त्म हो रहा है, एक मिनट, इधर पे नाइन सा लेवल पे 9209 9172 9219 तक इसका लेवल जाने वाला था, लेकिन 9209 में इसका, सॉरी कहाँ कटा हुआ, हाँ इधर इधर 9209 तक ये उस दिन हाई गया था, नेक्स्ट डे में इसका आ गया था 9232 में ओपन हुआ था, और 9343 तक इसका हाई गया था, इधर 9243 तक इसका हाई गया था। इसमें आप लोग ऑप्शन में भी बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेड कर सकता है। 92 किस में ओपन हुआ था, इधर 9232 में ओपन हुआ था, 9343 तक इसका हाई गया था। तो 9343 तक मैंने इधर रात गए आप लोग के, 9343 ये देखिए 9364 इसका 363 था, लेकिन लेवल था, लेकिन ये 9343 तक इसका हाई गया था ठीक है, 9343 तक इसका हाई गया था। उस दिन फिर से रिट्रेस होके नीचे आया, फिर से इसका ऊपर साइकिल कितना तक, अभी जो दिखता है आप लोगों को 9889 लोगों को, ये आप लोगों को लेवल दिखा देता हूँ, ये आप लोगों को ये लेवल दिखा देता हूँ, इसमें क्या आता है 9364। इसके बाद ये तो सेल का लेवल, ये तो नीचे ऊपर गया है, तो इसका रिट्रेसमेंट ये सपोर्ट भी लेता है, और आप लोग को सपोर्ट भी दिखा देता हूँ, इस पर इधर से सपोर्ट लेके फिर से घूमता है, इधर देखिए 8969 में ये सपोर्ट लेगा, इसके बाद ये सपोर्ट लेके फिर से ये अप जाता है। तो उसी का इस वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, रिट्रेस होकर कब जब रिट्रेस बैक हो सकता होता है, वो उसी का पाथ में थोड़ा सा रिट्रेस होता है, उसी का पाथ में रिट्रेस होता है, फिर से वो ऊपर जाता है ठीक है। तो इधर हाँ इधर कैसे गया गया था 9243 9354, उसके बाद 9502 इसका देखिए फर्स्ट साइकिल इसका 9799 तक इसका ख़त्म हो रहा है। तो इधर देखिए फर्स्ट साइकिल इसका 9799 में इसका फर्स्ट साइकिल ख़त्म होता है, हाँ 9759 तक इसका ख़त्म होने के बाद ये 9889 तक इसका सेकंड साइकिल में गया था, 9779 का इसका जो थर्ड साइकिल का जो अपसाइड है, सॉरी फर्स्ट साइकिल का जो अपसाइड है इसका, ये उतना दूर तक गया नहीं है, ये उसी का साइकिल के अंदर ही 9759 इसका 9799 9799 के ऊपर ये फिर से अप चला गया
ठीक है, इधर इसका 9919111 से इसका नेक्स्ट साइकिल चालू होगा। तो इसी का हिसाब से मैंने इसको आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इधर मैंने थोड़ा सा वीकली चार्ट भी आप लोगों को देख लेता हूँ, और वीकली या मंथली चार्ट का भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वीकली और मंथली इसका हाई लो क्या हो सकता है, कैलकुल हाई लो और क्लोज बैठा के। थोड़ा सा रुकिए दोस्तों, ये चार्ट थोड़ा सा स्लो जा रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें नहीं आता है। दूसरा चार्ट शायद ट्राई करता हूँ। नेट इतना स्लो चल रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम करता है। एक मिनट, एक आप लोग को लंबा ट्रेंड दिखा देने से आप लोग को वीक डेली मंथली
देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये ऐसे ही मार्केट चलता है। देखते हैं दूसरा, में ये जब रिकॉर्डर चलता है ना, ये नेट में और भी प्रॉब्लम होता है। ये देखता है आप लोग कैसे कार्ड सर मूल्य मिलता है। इसमें होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, इससे एक बार देख लेता है। मैंने इस प्लेटफॉर्म से जीरोधा का प्लेटफॉर्म से निकलने का कोशिश करता हूँ तो फ्यूचर का है। वीकली ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा डाटा नहीं आता है, ज़्यादा दिन का डाटा प्रॉब्लम करता है। इसका सोच लीजिए, इसका हाई गया था 11,484, इसका हाई था, ठीक है। और इधर 7,000, सॉरी, इसका मैंने निफ्टी 50 कर लेता हूँ। इधर आ गया है क्या? हाँ, इधर डेली दिखा, हाँ वीकली में दिखता हूँ, ठीक है। वीकली में सोच लीजिए इसका मैंने क्या बोलता हूँ, इधर इधर हाई गया, इधर हाई हुआ था 10,751, इसका हाई हुआ है, ठीक है। 10,751 इसका हाई है, और इसका लो पकड़ता हूँ 7,511, और उस दिन का क्लोज था 8,660, ठीक है। तो कितना हुआ, 10,751, 10,751। अब लोग थोड़ा सा धीरज रख के देखिए, मैंने भी इसका थोड़ा सा मेहनत करके बनाता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए कि गान का प्राइस, ये प्राइस एक्शन गान फिबोनाची रिट्रेसमेंट मूरेस मैथमेटिकल्स लेवल्स और वोलेटिलिटी बेस्ड जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड लेवल्स है इसी में चलता है। इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, टोटली मैथमेटिक्स है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये 7,511, इसका 7,511 जो लो है वो आप लोग सभी को पता हो गया है। अभी जो लोग मार्केट में रोज ट्रेड कर रहा है तेरी की, काम नहीं,
कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सेवन फाइव डबल वन ठीक है, लो है। और इसका उस दिन का उस कैंडल का क्लोजिंग दिया था, इसका क्लोजिंग हुआ था 8660 ठीक है, 8660 ठीक है। इसमें से क्या होता है दोस्तों, आप लोग को मार्केट का पूरा मूवमेंट पता चलता है। तो इसका जो लेवल आता है, इसका बाई का लेवल बनता है 8672 से इधर 9036 में ख़त्म होता है। तो इसका बाई का लेवल देखिए 86, इतना इसका मेरा लेवल कितना है कि 8636 क्या है, 8636 है ना, क्या है, हाँ 8672 इसमें क्लोजिंग दिया था उस दिन, हाँ 8660 8672। तो इधर इस दिन ये इसका लेवल नहीं आया था, तो इसका जो 8636 का जो लेवल है उसका लेवल अचीव किया है इस दिन का ऊपर ठीक है, 86 इसका इस दिन अचीव हो गया था इधर 8660। उसके बाद ये 9131 में ये हाई गया था, इसका वीकली चार्ट, वीकली में इसका 9131 ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में दिखाता हूँ, 9131 इसका हाई गया था, इस वीक में तो नहीं गया था, इसका वीकली चार्ट में 9131 इसका हाई गया था ठीक है, इसका 9131 इसका इतना प्रॉब्लम होता है, हाँ 9131 ये 9036 में इसका ख़त्म हो जा रहा है ठीक है, इसका इतना प्रॉब्लम है ना ठीक है। मैंने इसके बाद मैंने ये है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बेसिस से ठीक है, मैंने हाई लो से जो है लो से ऐड करना और हाई से माइनस करना, वो सब टेक्निक आप लोग को ट्रेनिंग में सिखाया जाए दिया जाऊंगा, आप लोग ट्रेनिंग से ऑप्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसमें आप लोग अडेप्ट कर सकता है, आप लोगों को मेरा जो इतना सा फ़ायदा होगा इसमें से आप लोगों का 100 करोड़ गुण ज़्यादा फायदा होगा, आप लोग को लाइफ टाइम के लिए फ़ायदा होगा। ये सब सिखाने के लिए इतना सारा चीज़ आप लोगों को मैंने गारंटी देता हूँ, कभी कहीं जाएगा मैं आप लोगों को 50,000 का ऊपर आप लोग को ये सिखाया जाएगा, और इतना सारा चीज़ भी आप लोग नहीं सीख पाएंगे। तो इसमें ये जो मुरेस का लेवल्स है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट पकड़ता है। तो देखिए इधर 7604 से इसका लेवल आया था फर्स्ट साइकिल में ठीक है, फर्स्ट साइकिल में इसका जो लेवल आया था इधर 7606 से चालू होके कितना दूर तक गया था इसका फर्स्ट साइकिल में, इस साइकिल में इसका ख़त्म हो जा रहा है 8262 में ठीक है, इधर 8262 में नेक्स्ट वीक में 8262 के ऊपर ये ओपन ही हुआ था, इसका दिखा रहा है 8385 के ऊपर 8678 तक गया था। तो इसका नेक्स्ट साइकिल देखता है, नेक्स्ट साइकिल में इसका क्या हुआ है 8355 ठीक है, 8355 के ऊपर ये कितना ऊपर जाने वाला था एक एक लेवल पे, ये फर्स्ट साइकिल इसका ख़त्म होता है 8600 में, तो कितना देखा है इससे, हाँ इधर सेकंड साइकिल में 85 सेप से शुरू होके ये 360 डिग्री 9013 ठीक है, 9013। तो इधर देखते हैं इधर 83
मेरा ही गलत मतलब गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ 8355 से लेके 8357 से लेके 8901 थी, 8357 से लेके हाँ 8357 से लेके ऊपर गया, 8555 के ऊपर गया तो 9013, तो उसके बाद ये 9131 ऊपर गया है, तो इसके लिए इसका सेकंड साइकिल देखना पड़ेगा। सेकंड साइकिल में देखना पड़ेगा, सेकंड साइकिल में ये 9013 तो फर्स्ट साइकिल में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सेकंड साइकिल में 9107 के ऊपर लेवल दिखा रहा है, 9107 के ऊपर दिखा रहा है, इधर ऊपर गया है 9131, ठीक है 9107 के ऊपर ये 9131 दिखा रहा है, 9131 दिखा रहा है, 9131 ये 9200 9200, उसके बाद 9388, उसके बाद ख़त्म होता है इधर 9764। तो आप लोगों को याद होगा कि ये 9764 के ये एक मतलब इंटरडे में इसका एक ये 9324 ये हाई गया था 9764, इधर ये 9764 के ऊपर ये अभी 9889 तक चल रहा है। तो ऐसे करके ये आपका ये 9764 में इसका ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद ये कैसे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और कैसे ये सॉरी इसका थर्ड साइकिल देखना पड़ेगा ना। थर्ड साइकिल में हाँ थर्ड साइकिल में ये 9764 तक दिखा रहा है, 9764 के ऊपर फिर से कैलकुलेट करना पड़ता है, 9764 के ऊपर ये 9764 के ऊपर ये वीकली में 9889 तक आ गया है, उसी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा मैंने थोड़ा सा मंथली देख लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा आप लोगों को सोच लीजिए, ये 2016 से इसका जो लो गया था ठीक है, और 2016 का ये इसका लो का जो 2016 का जो लो था और इधर इसका था ठीक है, इसको पकड़ लेता है, तो इसका कैसा लेवल निकल के आता है वो भी मैंने देख लेता हूँ एक बार। 2016 इतना उससे नहीं लूँगा, इतना से लेता है 2017 का, 2017 जनवरी 2017 फरवरी इतना सा लंबा ले लूँगा ठीक है, देखता है तो अभी ठीक है इधर से ही देख लेता है, इधर से 2016 से ही देख लेता हूँ, तो इधर से इधर का एक लो पॉइंट है ठीक है, इधर से एक लो पॉइंट है और इधर एक हाई पॉइंट मिल रहा है, इधर एक हाई पॉइंट मिल रहा है ठीक है, इधर ये हाई पॉइंट मिल रहा है और इधर से देखिए, तो जब लो से जब हाई जाता है तो इसका मतलब हम लोग को नीचे का लेवल देखना है, और हाई से जब लो आता है तो उसका हम लोग को आपका लेवल देखना है, जो यूएससी फिबोनाची देखता है, जो लोग जानता है फिबोनाची उसको हम लोग को ये देखिए 6825 लो था, 6825 लो था, 6825 इसका लो था, तो मैंने इधर 6825 को बैठा देता हूँ, 6825 को बैठा देता हूँ, और इसका हाई गया था सोच लीजिए, इधर का हाई पॉइंट ले लेता हूँ, इधर ना इधर इधर से 16 से इधर एक हाई पॉइंट है 12430 ठीक है, 12430 12430 इसका उस महीने का क्लोजिंग था, उसका क्लोजिंग किया दिखा रहा है 11929 ठीक है, सॉरी 11962 क्लोजिंग दिखा रहा है, 11962। तो आप लोगों को मैंने क्लोजिंग हाई और ओपनिंग से मतलब सॉरी हाई लो और क्लोजिंग तीनों तरीके से आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये कैसे काम करता है। ये देखिए 11976 के ऊपर इसका बाई का लेवल बनता है और सेल का लेवल बनता है 11948 से, 11948 से ये 11529 में ये ख़त्म होता है, इसका नेक्स्ट महीना में इसका 11000 कितना 11175 इसका लो था, 11575 इसका लो था
कहाँ से गैराज है, 948 से इधर मतलब सेलिंग का लेवल था, गैराज है 948 का नीचे, 1148 का नीचे इसका 1175 का इसका लेवल अचीव किया था, ठीक है। उसके बाद इसका जो हुआ है इसके लिए ये क्लोजिंग प्राइस छोड़ के मेरे को वो 45 डिग्री का मतलब हाई लो क्लोज मतलब ये इसका और कुछ नहीं, 45 डिग्री एनालिसिस और कुछ नहीं, ये है मतलब हाई से और क्लोज से, हाई से माइनस करता है वो सपोर्ट का बनता है और लो से और ऐड करना पड़ता है फैक्टर को, और उसके बाद स्क्वायर रूट करना पड़ता है, उस स्क्वायर रूट करके देखता है, उसके बाद उसका भी स्क्वायर निकालना पड़ता है। तो इधर देखिए इसका जो लेवल फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट साइकिल मैंने डाउन साइड में देखूंगा, 12274, 12000, ये तो लेवल हो गया, 11963 के नीचे ये कितना फर्स्ट साइकिल में दिखा रहा है, फर्स्ट साइकिल में दिखा रहा है 11187, तो हो गया उधर तो 11175 तक आप लोगों को दिखा दिया, आप लोगों को याद नहीं आएगा तो फिर से आप लोग रिवाइंड करके देख सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका डाउन साइड मैंने देखना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड। उसके बाद फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड 11031 से चालू होता है, 11031 से चालू होके 9944 में इसका ख़त्म होता है, 11000 कितना देखा, 11031 से चालू होकर 9944 में इसका ख़त्म होता है, 11044 से इसका चालू होता है, इसका नीचे इस का महीना में ये इसका लो गया है 7511, तो इसका क्या निकल के आता है देखता है। थर्ड साइकिल 9944, सेकंड साइकिल और थर्ड साइकिल में कितना दूर तक आता है, थर्ड साइकिल में ये 8373 तक दिखा रहा है, ठीक है, ये 8373 तक, ये 8063 तक इसका दिखा रहा है, ये 8375 तक ये नीचे आ गया है। तो इसका मैंने लो से हाई दिखा है, एक हाई से सॉरी हाई से लो दिखा है, तो इसका मैंने लो से हाई से भी लो दिखाता हूँ, उसके बाद कैसे ये आ गया है इस पर, इससे एक बार देखना दिखा देता हूँ, हाई से लो कैसे हुआ है रिट्रेसमेंट, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सोच लीजिए इसका हाई पॉइंट हुआ है, तो हाई से जब लो जाए होगा तो इसका क्या मतलब है, वो उसका आप जाएगा इधर से ये आप जाएगा, ठीक है ना, उसको देखना पड़ेगा। तो इधर से 6181 देखिए, इधर हाई हुआ है 6181, ये अब लोग बहुत ही लंबा ट्रेड में ले सकता है, 2008 से भी इसका करेंगे तो इसका आप लोगों को देखिए, इधर से 2008 से इतना तक ऊपर गया था, इसका जब हाई, जब सोच लीजिए देखो बाई का लेवल, जब हाई तोड़ता है, ठीक है, तो वो बाई का ऊपर जा सकता था, लेकिन जब उसका जब लो साइड में जब आने का चांसेस होता है तो एक एंगल में ये अटक जाता है, इसका एंगल रहता है, तो आप लोग जो देख सकता है कि इसका कौन सा, आप लोग को इसका दिखा देता हूँ, ये कौन सा एंगल पे दिखा रहा है, इसका कौन सा एंगल पे दिखा रहा है, उसका हिसाब से ये जाता है, इसका कौन सा, ये जो मैंने बैठा है लास्ट क्लोजिंग प्राइस, लास्ट क्लोजिंग प्राइस उसका कौन सा लेवल पे है, कौन सा डिग्री पे है, वो भी ये 135 डिग्री का लेवल पे है, ठीक है। इसका 135 डिग्री का जब लेवल पे है तो इसका ऊपर या इसका ऊपर तो ये ऐसा नहीं आता है, तो इसका नीचे वाला जो लेवल है उसको साथ मैच कर रहा है, तो इधर 11100 मतलब जो मैंने लिया था 11963, इसका 135 डिग्री का लेवल ये मतलब ये बनता है, तो इधर से आप लोगों को नीचे ही देखना है, तो आप लोगों को ऐसे करके पता चल जाएगा कि ऊपर जाएगा कि या नीचे जाएगा, ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। तो ये गन एंगल ऐसे काम करता है, आप लोग किसी भी जगह से किसी भी हाई लो से आप लोग, मैंने शायद आप लोगों को दिखा दिया, मैंने हाई से लो तो इधर थोड़ा सा
हाई से लो दिखा देता हूँ। इधर बीच में आप लोग 2008 से भी ले सकता है, वो भी आप लोग को 2008 से जो ये चल रहा है। देखिए मैंने इधर भी इसका कैलकुलेट कर, मैंने हर रोज ही दिखाता हूँ। इधर देखिए 2008 से इसका जो बारह है 430, ठीक है, और इधर 7511। तो इसका जो ना, ये 2008 से नहीं, ये रिसेंट का जो है, तो उसका मैंने इसका इधर कैलकुलेट करके रखा है। तो 2008 से की भी मैंने डाटा लेता हूँ, तो वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कैसे 360 एंगल कैसे काम करता है। मतलब 360 मतलब गन एंगल्स, बहुत ही तरीका से इसको कैलकुलेट कर हाई से को कर जा सकता है, लो से कर जा सकता है, या किया जा सकता है। और मेरा हिंदी थोड़ा सा जा अच्छा नहीं है, मैं बंगाली हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक आ सकता है। एनीवे, तो इधर हाई से भी किया जा सकता है। इधर जो 2008 का जो लो बना था, ठीक है, 2008 का जो लो बना था 2252, ठीक है, और 12430 इसका हाई बना है, ठीक है, 2252 इसका लो बना है, और इधर 12430 इसका हाई बना है, ठीक है। आप लोग इधर से देख सकता है, तो इधर से कैसे ये अप ट्रेंड ऊपर गया है 297, 2927, ठीक है। इधर पहले इसका देखिए, इधर तो लो गया था, इधर इसका जो लेवल गया था, इसके बाद 2252 के ऊपर ये टू ए इसका हाँ इसका 2927 तक इसका फर्स्ट मतलब थर्ड साइकिल में ख़त्म हो जाता था। 2927 के ऊपर फर्स्ट साइकिल, 2927 के ऊपर इसका फर्स्ट साइकिल ख़त्म हो जाता था। तो उधर फिर से इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस बैठाना पड़ेगा, इसका लो इसका फिर से इसका मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका जो हाई बना था तो इसका फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका ये थर्ड साइकिल, सेकंड साइकिल, फर्स्ट साइकिल, ऐसे करके ये निकल के आता है। इधर से फिर से मैंने इसका क्लोजिंग मतलब सोच लीजिए 3127 दे देता हूँ, 3127 दे देता हूँ। उसके बाद ये कैसे इसका अप गया है आप लोग देख सकता है, डाउन तो गया नहीं है, डाउन के साइड में ये 8701 तक इसका आया था, लेकिन डाउन साइड में गया है। ये है देखिए 4065 तक इसका गया था, इधर 4065 के 4065 के ऊपर इसका जो 3478 के ऊपर देखिए ये 4501 दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे करके इसका क्लोजिंग प्राइस आप लोग बैठ के रहेंगे और फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो सोच लीजिए इधर 5000 बैठा देता हूँ, तो 5000 का जब ऊपर जाएगा तो इसका क्लोजिंग प्राइस जब दिखेगा तो 5000 के ऊपर देखिए ये 6000 ऐसे करके ये ऊपर जा रहा है। तो इधर देखिए सोच थोड़ा सा ऊपर से नीचे कल, मैंने होपफुली मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो इतना दिखाने का और कोशिश नहीं करता हूँ। थोड़ा सा और भी एक दिखा देता हूँ, ये हाई 6681 इसका हाई है, और इसका लो है 4531 6681 इसका हाई है, और इधर लो है इसका, इधर का लो पकड़ लेता हूँ, इधर का लो पकड़ लेता हूँ 54531, अब क्लोजिंग है 4631 4624 4531 4624। तो इसमें हम लोग फर्स्ट के ये कौन सा ट्रेंड में जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इधर से आप लोगों को कौन सा एंगल पे है वो आप लोगों को पता चल जाएगा, कौन सा एंगल पे है ये आप लोग को देख ले सकता है इधर से। ये देखिए ये लास्ट का लास्ट जो प्राइस है, ए भी 135 का दिखा, सॉरी मैंने ये गलत दिख रहा हूँ सर, हाँ ये 135 का डिग्री पे दिखा रहा है। तो इधर से इसका जो लेवल पहले वाला जो क्लोजिंग प्राइस का हिसाब से जो लेवल बनता है, इसका अप साइड में जाएगा 4633 4641 से 4900 तक इसका,
कहाँ देख रहा था, इधर देख रहा था, तो इधर 4531 आ गया था। उसके बाद ये 4631 के ऊपर देखिए 5217, इसका ऐसे करके ये ऊपर गया है। इसका हम लोग का टारगेट प्राइस कितना है, 4900 इसका टारगेट प्राइस है। ये तो पहले इसका आ गया है 4900, इसका मैंने हाई सोल ये, इसके बाद मैंने हाई से और लो से मैंने देख लेता हूँ इसका कैसे मंथ है। इसका हाई का मैंने 4587 से ये फर्स्ट साइकिल ख़त्म हो रहा है, 4984 में इसका ख़त्म हो रहा है, 4984 पे। उसके बाद इसका सेकंड साइकिल में 5040 के ऊपर, या साइकिल में थर्ड साइकिल में इसका 5437 इसका सेकंड साइकिल, और इसका थर्ड साइकिल बन रहा है, थर्ड साइकिल इसका बन रहा है हाई साइड में 5890। तो देखिए इसका ये रिटेस्ट होके ये 5890 तक ऊपर रिटेस्ट होके गया है, 5890 तक ये ऊपर 5815 5885 देखा है, ये 5885 मतलब 5890 तक ये ऊपर मेरा हम लोग का जो टारगेट है तो वो निकल के आता है। तो ऐसे करके हम लोग ये इसको देख सकता है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये इधर से फिर से आप है, ये इधर से ये फिर से ये मतलब ये सपोर्ट तोड़ेगा क्या नहीं तोड़ेगा वो भी हम लोग मतलब इसका लेवल देख के हम लोग को पता चल जाएगा। इसका नीचे उसका जब सेल लेवल दिखेगा, इसका जब सेल लेवल दिखेगा तो इसका जो थी डाउन साइड में जो 360 डिग्री का जो लेवल आएगा तो उसका हम लोग को इधर ऐसे करके ये नीचे आएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा, बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि कैसे इसका ट्रेड करना है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, होप आप लोग ये वीडियो एंजॉय करेंगे और इसका लाइक आप लोग को पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मतलब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये बहुत सारा वीडियोस आप लोग को एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस, ये जो आप लोग को बहुत सारा वीडियोस मिलने वाला है और इसको आप लोग ट्रेनिंग में भी आप लोग को सीखा जा सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग को ऑलरेडी दिखा दिया है तो आप लोग इंटरडे में वो भी अप्लाई करके देख सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सारा चीज़ इसमें सीखने वाला है और आप लोग ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए, ये आप लोग को बहुत ही ज़रूरत है। और ये ट्रेनिंग आप लोग को लेने से लिए आप लोग और किसी सॉफ्टवेयर आप लोग खरीदने के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा आप लोग को, ये बहुत ही कम में आप लोग को दे रहा हूँ मैंने। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, और किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो, किसी भी क्लैरिफिकेशन ज़रूरत होता है तो मेरे को ज़रूर फीडबैक देना। और ये मैंने निफ्टी में दिखाया है, ये सभी स्क्रिप्ट में ऐसे ही काम करेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ऐसे ही ये मार्केट ऐसे ही मतलब डायरेक्शन में मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसे ही घूमता है मार्केट। धन्यवाद।